नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकल रखी है। जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर बताया, राजस्थान भर्ती 2018 नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इसके जो फॉर्म्स भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन देखते हैं डिटेल्स के साथ क्या इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी का इसके अंदर सीट्स है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप सभी के लिए जो स्मार्ट डिफेंस अकेडमी चूरू है संदीप सर द्वारा संचालित, तो उनकी तरफ से आप सभी के लिए एक अच्छा सा ऑफर आ रखा है। अगर आप अपनी कोचिंग करना चाहते हैं स्मार्ट डिफेंस एकेडमी के अंदर, तो आप देख सकते हैं एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एफकेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस एंड जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी है यहाँ पर, संदीप सर द्वारा ये संचालित है एंड जो स्मार्ट डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए एक और अच्छा सा ऑफर है, जो एसएससी जीडी की तरफ से एसएससी जीडी की जो वैकेंसी निकल रखी है उसके लिए जो स्पेशल गारंटीड वेज चला रखा है। अगर इसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 100% आपको जो फीस आपकी वापस दी जाएगी गारंटी के साथ, ठीक है। एंड अगर और इसमें जो आपकी हॉस्टल सुविधा भी रहने वाली है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है एंड जो फिजिकल की सुविधा भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी एंड साथ ही में आप देख सकते हैं जो खेलकूद का ग्राउंड है, फिजिकल की तैयारी करवाई जा रही है। 100% आपके सिलेक्शन की गारंटी है, नहीं होता तो आपको 100% आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप यहाँ पर अपनी जो तैयारी करना चाहते हैं, एड्रेस आप देख सकते हैं रामनगर तिराया बिसाऊ रोड चूरू के अंदर ये इंस्टीट्यूट स्थित है। तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ की फैकल्टी भी मुझे अच्छी लगी और यहाँ पर जो अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग भी आप सभी को करवाई जाती है जो आपके सभी एग्जाम्स के अंदर काम में आती है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले से आप सभी से एक छोटा सा सवाल, तो आप में से जो भी इसका राइट आंसर देगा उनमें से 20 लक्की विनर्स की फोटो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश की जाएगी एंड जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था उनके विनर्स का नाम भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा विद आंसर के साथ। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर, पुष्कर। तो आपको राइट आंसर के साथ अपनी सिटी का नाम भी देना है। तो दोस्तों, अपन देखते हैं जो किसके अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है। तो दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकल रखी है आपकी निकल रखी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है। तो अपन देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो राजस्थान के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो ये पोस्ट रहने वाली है एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है। एंड मैंने आपको राजस्थान की वैकेंसी इसलिए बताया क्योंकि अपना उदयपुर है जो राजस्थान के अंदर ही स्थित है, यहाँ पर भी जो टोटल 20 सीट निकल रखी है। उदयपुर के अंदर 20 सीटों के लिए इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जो टोटल इसके अंदर पोस्ट है 372 टोटल पोस्ट है एंड जिसमें उदयपुर की 20 पोस्ट इसके अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया राजस्थान की ये वैकेंसी है क्योंकि उदयपुर है अपना राजस्थान के अंदर ही स्थित है। तो अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन होता है तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी उदयपुर राजस्थान के अंदर ही रहने वाली है। एंड दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं जो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए। तो आप सभी देख सकते हैं जो 1 दिसंबर 2018 के दिन जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो जो 3 साल की ग्रेजुएशन आपके पास रहनी चाहिए, ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर। एंड जो आपके पास अगर ये BCS का अगर सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही में आपको जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं जो विदाउट BCS सर्टिफिकेट वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है कैंडिडेट विदाउट BCS बेसिक जो ये सर्टिफिकेट होता है, तो इसका अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एंड दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए जो 1 दिसंबर 2018 का दिन, जो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर जो आपका वर्क रहता है, जो अपन आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट से जो यात्री आते हैं उनकी जो स्कैनिंग की जाती है मशीन के द्वारा, तो वही आपको काम करना है इस पोस्ट के अंदर। आपकी जो सैलरी रहने वाली है इसके अंदर 25,000 से लेकर 30,000 के अंदर आपकी इसकी सैलरी रहेगी। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं 25,000 से 30,000 के समथिंग आपकी इसके अंदर जो सैलरी रहेगी पर मंथ, ठीक है। वो सिलेक्शन प्रोसीजर आपके इसके अंदर एग्जाम होगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद आप सभी का इंटरव्यू होगा। एंड अप्लाई कैसे करना है, आप सभी को अप्लाई करने की प्रोसेस भी बहुत ही इजी है, मैं आप सभी को बता दूंगा। फॉर्म आपको यहां से प्रिंट आउट निकालना है, उसको आपको फिलअप करना है, अपनी कंप्लीट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ है फॉर्म्स के अंदर, वो सभी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद जो ये एड्रेस बता रखा है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आई कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलर्ट सर्विस कंपनी लिमिटेड, तो इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है, ठीक है। एड्रेस देख लीजिएगा आप और आपको मैं बता दूंगा आप ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। तो इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म्स भेजना है एंड साथ ही में जो
₹500 का डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है। बट जो महिला अभ्यर्थी है, जो SC ST का अभ्यर्थी है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनको फ्री ये फार्म रहेगा, उन्हें कोई ₹500 का DD नहीं भेजना। बाकी जो जनरल एंड OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। एंड साथ ही में आप देख सकते हैं जो ये फॉर्मेलिटीज़ बता रखी है, तो ये सभी आपको जो फॉर्म्स के अंदर बता रखा है वो आप सभी को भेजनी होगी। तो ये पोस्ट आपकी रहेगी सिक्योरिटी स्क्रीनर्स की, ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ इसके अंदर जो क्या इंपॉर्टेंट्स है आप सभी के लिए। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसी है सिक्योरिटी स्कैनर की। एंड इसके अंदर जो आपका फिजिकल भी रहेगा, तो पहले आपका जो इंटर एग्ज़ाम हो जाएगा, एंड उसके बाद जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एंड उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद जो आपको 1000 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, इसमें बता देता हूँ मैं आप सभी को, जो 16 सेकेंड के अंदर आपको रेस कम्प्लीट करनी है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन मैं बता दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो आपको किस प्रकार को ये फॉर्म्स को आपको फिल करना है, तो ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, फ़ोटो चिपकानी है, और इसी एड्रेस पर आपको ये फॉर्म्स भेजना है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ सभी अच्छे से भरिएगा, ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अंदर, एंड जो फिजिकल भी इसके अंदर रहने वाला है आप सभी का, और ₹500 की डिमांड ड्राफ्ट, और आपको जो भी ये सर्टिफिकेट बता रखे हैं वो आप सभी को इसके अंदर आपको अटैच कर देना है, और जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ है सभी इसमें जो बता रखा है इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप सभी को बताना है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल के अंदर क्या रहने वाला आप सभी का, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों। और जो विनर्स के नाम भी है आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों अच्छे से फॉर्म भरिएगा आप सभी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, मुझे बताइएगा, मैं आप सभी की जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो मैंने बताया था, जो आपकी जो रेस रहने वाली है 1000 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है 4.5 मिनट के अंदर। एंड जो जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी जो 100 मीटर की रेस ही कंप्लीट करनी है। तो ये रहेगी आपकी फिजिकल का, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप सभी देख लीजिएगा, वैकेंसी निकल रखी है आपकी, उदयपुर के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी, तो इसलिए मैंने आपको बताया राजस्थान की ये वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है। अगर आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्मार्ट डिफेंस अकेडमी चूरू के द्वारा, ठीक है। तो अपने जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो राजस्थान के अंदर कोटा, जो राजस्थान के अंदर दशहरा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर था कोटा था अपना। कोटा जिले के अंदर जो ये दशहरा मेला का आयोजन किया जाता है, तो उनमें से जो लक्की विनर्स हैं उनका नाम आप सभी देख सकते हैं। तो जो कविता सिसोदिया ने भी राइट आंसर दिया है, एंड जो दिव्या पारी दीपक चौधरी का भी, दिव्या दीपक चौधरी का भी राइट आंसर है, एंड जो हेमराज नोगिया है इनका भी राइट आंसर है, कोटा बजरंग सैनी का भी राइट आंसर है, एंड जो शिवकरण बेहरा है इनका भी राइट आंसर है, एंड जो सीरत सिंह है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है, बोधुराम चोयल का भी राइट आंसर है, लालचंद मीना का भी राइट आंसर है, रेणु जोगपाल का भी राइट आंसर है, मनीष दारमोर का भी राइट आंसर है, विमला ओला का भी राइट आंसर है, गुद्दा तो यहाँ से ये बिलोंग करते हैं, एंड जो टाटगढ़ से कबीर सिंह का भी राइट आंसर है, एंड जो धर्म किरतारपुरा का भी राइट आंसर है। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो सपना सिंह ने भी राइट आंसर दिया है, एंड धीरज मीना का भी राइट आंसर है, रुचि सिंह का भी राइट आंसर है। एंड दोस्तों जिनका नाम नहीं आया तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा। एंड जो फिल्मी स्वेग पूजा बेसला ने जो आंसर दिया है ये गलत है, इसका जो राइट आंसर कोटा रहने वाला है, फिल्मी स्वेग नाम से जो ये आपका चैनल है, एंड जो कोटा इसका राइट आंसर है, तो इनका नाम इसमें नहीं है बता रखा है। एंड जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ एक यूट्यूब चैनल ही है अपने दोस्त का ही, तो इन्होंने भी राइट आंसर दिया है डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं अच्छा सा आंसर इन्होंने दिया है बिग ब्रेकिंग ने। एंड जो यूट्यूबर राव है इनका भी राइट आंसर है, उदयपुर से ये बिलोंग करता है। निर्मल सेरवी का भी राइट आंसर है, नारू भील का भी राइट आंसर है, एंड जो संधवा बिदासर से BR गोदारा का भी राइट आंसर है, एंड जो तारकेश राव का भी राइट आंसर है, कविता बेरवा का भी राइट आंसर है, सुमित्रा कुमारी का भी राइट आंसर है, भागीरथ बन्ना का भी राइट आंसर है, राजीव सिंह का भी राइट आंसर है, एंड जो जीवराज बेरवा है इनका भी राइट आंसर है। तो ये सरवार से बिलोंग करते हैं, सरवार केकड़ी अजमेर से।
तो इनका भी राइट आंसर है, सुरेंद्र कुमार का भी राइट आंसर है, अनुराग जारेदा का भी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो जिनका भी नाम आया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिनका नहीं आया बुरा मत मानिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी का नाम आ जाएगा। तो ठीक है, आप सभी को ये जानकारी देनी थी, जो वैकेंसी निकल रखी है आपकी, जो राजस्थान की वैकेंसी है, एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी आपको किसी प्रकार की कुछ भी सवाल पूछना तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और स्मार्ट डिफेंस एकेडमी से आप अपनी जो तैयारी कर सकते हैं, देख लीजिए, मैंने आप सभी को बता दिया है, NDA, CDA, CDS, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एफकेट, SSC, रेलवे, पुलिस फोर्स एंड जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी की आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। SSC के लिए यहाँ पर गारंटी भी चला रखा है, फीस सिलेक्शन नहीं तो फीस आपको वापस कर दी जाएगी। एड्रेस आप सभी देख लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो एड्रेस इसमें आपका रामनगर तिराहा बिसाऊ रोड चूरू के अंदर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी भी यहाँ की बहुत ही अच्छी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है। एंड मैं आपको इनके चैनल की लिंक भी बता दूंगा, वहाँ पर वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कितना अच्छी है इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आएगा प्लीज़ इसको लाइक करेगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।